संदीप सिंह मंत्री को 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा नहीं फहराने देंगे। इस तरह की हमारी काल है, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, खाद्य पंचायतों की तरफ से हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। आदि भैया हमारा कौन त्यौहार के बराबर है 26 जनवरी, और इसमें ये झंडा फहराने का काम करेगा, जो मुकदमा दर्ज है वो जाँच चल रही है, और उसके लिए फिर भाई खापो ने हमारा निर्णय लिया है, इसको देखो विरोध करो। क्योंकि हमें ये भी भया है कि हरियाणा सरकार का कोई प्रेशर तो नहीं है किसी के ऊपर, तो उन्हें बिल्कुल ये कहा, विश्वास दिलाया है बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करो, आपके साथ बिल्कुल कार में जो मंत्री संदीप सिंह उन्होंने हमारी बिटिया के साथ जो गलत व्यवहार किया उसकी जो FIR दर्ज है चंडीगढ़ पुलिस में, तो उसकी निष्पक्ष जो जांच हो, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला जी, क्या कही? DGP सर ने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी बहुत ही जल्द, जो रिपोर्ट आएगी उसकी कार्रवाई बहुत ही जल्द उसकी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे थे? जो भी जांच के लिए जो सबूत है, कई तरह की जो बात थी उसके लिए, और उसमें जल्द से जल्द उसको, क्योंकि हमें ये भी भया है कि हरियाणा सरकार का कोई प्रेशर तो नहीं है किसी के ऊपर, तो उन्हें बिल्कुल ये कहा, विश्वास दिलाया है बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करो, आपके साथ बिल्कुल सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। SIT जो बनाई है कब तक रिपोर्ट देगी, बताया कुछ? हाँ बताया है, दिन तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द आपकी रिपोर्ट आएगी और उसकी कार्रवाई की जाएगी। खापों की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखो पूरे हरियाणा की जितनी भी खाप है, पहले भी हमने 2-3 बार वहां पंचायत सरों खाप लाई है, लेकिन हरियाणा की जितनी खाप है उन सब से सरों खाप की जो पंचायत हुई है उनसे हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी से हम सारी बात यहाँ की बात रखेंगे, और वहां जाके जो कमेटी जो फैसला लेगी उस पर खाप बिल्कुल बेटी के साथ खड़ी रहेगी। अभी 26 जनवरी को जो आपने एक ऐलान किया है कि काले झंडे दिखाएंगे, झंडा नहीं फहराने, क्या कार्यक्रम रहने वाला? हाँ बिल्कुल, उसका देखो 26 तारीख को वो दोषी है, उस पर इतनी संगीन धाराएं लग रही है, मुकदमा दर्ज है, और तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिसकी हम आत्म सम्मान करते हैं वो उसको फहरा रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा उसका? हम बिल्कुल उसको काले झंडे दिखाएंगे, और उसको जो हर संगठन सभी खाते उसका विरोध किया है, और जगह जगह पुतले फूकेंगे उसके। आम जनमत रोष इस बात का हरियाणा में, भाई एक अपराधी भैया हमारा पवन त्योहार के बराबर है 26 जनवरी, और इसमें ये झंडा फहराने का काम करेगा, जो मुकदमा दर्ज है वो जांच चल रही है, और उसके लिए फिर भाई खापो ने हमारा निर्णय लिया है, इसको देखो विरोध करो, और फिर भी कोई मान ले अपने जलील हो गए या बेशर्म हो गए वो काम करेगा, तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी ना, कि कोई संगठन होगा या खाप होगी, अगर कोई उसमें कहा है वहाँ भी कोई भी झगड़ा या कोई कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से ही मिलोगे आपको मिलने का प्रोग्राम? मुख्यमंत्री से हम मिल चुके हैं पहले, और आज हमारा यही साहब से मिलना प्रोग्राम था, DGP साहब से मिलने का समय था आज का। तो इल्जाम लगा रहे हैं जो महिला कोच है कि हरियाणा सरकार का दबाव भी है चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर, तो मिले हैं इसीलिए मिले हैं हमें, इसी बात ये बात की हमने, तो DGP साहब साफ मना कर दिया भाई हमें किसी की मतलब वो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और हम बेटी के साथ खड़े हैं, और हमने हमारे पास 24 घंटे के अंदर ही हमने FIR दर्ज कर दी। लड़की ने तो कहा है कि CM खुद बचा रहे हैं संदीप सिंह को इस मामले में, और अभी भी डंकी नहीं बता। CM साहब ने तो बयान दिए थे भाई, CM ने बयान नहीं दिए, अनर्गल बयान बता रहे थे, चलो भाई उनके बेटी नहीं है चलो वो जो सोच रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन ये खापों का पुराना इतिहास है, ऐसी बात नहीं है कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, न्याय दिलवा के रहेंगे जहाँ तक हमारी चलेगी, खापों की चलेगी। आपको बताना चाहूंगा दिल्ली प्रदेश की तरफ, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जनवरी में जब पंचायत हुई हमने 7 जनवरी तक का समय दिया था इस सरकार को, 7 जनवरी तक भी कुछ ना करने में 15 जनवरी को फिर हमने दंकड़ खाप की पंचायत हुई, जिसमें सभी ने हमने एक निर्णय लिया था कि हम संदीप सिंह मंत्री को 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा नहीं फहराने देंगे। इस तरह की हमारी काल है, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। आज जो हम चंडीगढ़ में आए, हम साहब से मिले, DGP साहब से मिले, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं उसकी बातों से, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन भी दिया है, और बिल्कुल जांच कहीं ना कहीं 164 के बयान भी हुए, कोर्ट के सामने बयान हुए हैं वहां तक भी हम संतुष्ट हैं।
और सामने ये भी कहा है कि मैं बहुत जल्दी ही इसमें जांच करूंगा और न्याय तक मैं पहुंचूंगा। तो हम अधिकारियों से बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन आपके माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार को, जो लगातार मुख्यमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं भाजपा सरकार, उसमें कहीं ना कहीं संख्या ही भारतवर्ष में सभी बेटियों को, ये नारा आपका झूठा है। हमारी बेटियां लगातार 3 महीने से गुहार लगाते लगाते आज फिर हम खाप पंचायती चंडीगढ़ में पहुंचे, खाप पंचायत इकट्ठी हुई, आपने कोई निर्णय ना लिया। हम बड़ी बार सुनते थे अनिल विज जी की कि वे बेटियों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का वे सुरक्षा करता है, उनकी इलाज करता है, लेकिन ये भी झूठ है। आज हम मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी किसान कौम 36 बरादरी कह रहे हैं, हमने बड़ा आशा और विश्वास था ब्रिज की तरफ, लेकिन वहां से भी हमने कई बार मिलने के बाद में कोई नहीं मिला। आप धनखड़ जी, और हमने जो हमारी आपसे मैं बताना चाहूंगा, जो धनखड़ खाप में ओम प्रकाश धनखड़ है उसके वही गांव लगता है, लेकिन उसने भी कोई बिटिया की तरफ कदम ना उठाया, तो इस तरह से हम उससे नाराज हैं।